السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अलहमा अलम ना रश्दाना शुरू हजरत पशली मरतबा हमने सूरत का किसी हद तक मुताला किया था बहुत सी बातें उसमें रह भी गई थी लेकिन यह कि इसमें जिस वाक़े का जिस अजीम शान जिसे कुरान हकीम ने भी बड़े अहतमाम से बयान फरमाया जिसका जिक्र है के हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया अल्लाह ने और अपने घर की हिफाजत किस तरह फरमाई कि एक मुकम्मल सूरज जो है इसी मौजू पर हकीम में है जहां तक इसका वो पस मंजर था अपने जहन में सिर्फ ताजा कर लीजिए बहुत ही अख्तिसार के साथ कि ये वाक रूनुमा हुआ है मुहर्रमुल हराम के आखिरी अशरे में और सन ईस्वी के मुताबिक वो पांच सौ इकहत्तर ईस्वी था वो एक नबीम सलम की वलादत बात से तकरीबन पचास पचपन दिन पहले और जैसा कि मैंने तफसी से अर्ज किया था पिछली मरतबा का काफी वक्त उसी में सर्फ हुआ लिहाजा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा लेकिन ये वो जू नवास एक शख्स जो यहाँ हुक्मरान था यमन के इलाके में जो यहूदी उलसल था उसने ईसाइयों के ऊपर बड़ा जुल्म कर रखा था और उसी के जिमन में जैसा कि मैंने अर्ज किया था सूर्य बुरुज के अंदर असहाबुल नार का जो जिक्र है आग की खाइयों वाले आग की खदुक में झोंके जाने वाले यह उसी का दौर है जिस पर फिर शाह हबशा हबशा बहरहाल एक जिसे आप कही है कि बहुत ही मजबूत हुकूमत थी तो उसने फिर हमला किया यमन पर और वहाँ जो है उन्होंने फिर उसको शख्स को जो है अश्गू नवास को क़त्ल किया और उसके बाद अपना एक बादशाह वहाँ मुकर कर दिया कि जिसने गोया कि वहाँ ईसाइयों के लिए चूँकि हबशा ईसाई रि सत थी तो जो भी ईसाई वहाँ बसते थे उनके लिए मामला जो है अमन का हो गया इस बात को जेन में रखिए कि नबी कम सल्ला वसलम की अभी बेसत नहीं हुई थी लिहाजा हम जिन्हें मुसलमान कहते हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे उस वक्त तक का दीन जो था वो दीन ईसाई था अगरचि उसके अंदर वो खराफात भी कि हजरत ईसा आलाम को हजरत को अल्लाह का बेटा करार दे देना इस किस्म की निजास्तें भी मौजूद थी जो शिर की बहुत हो शख फिजात लेकिन यह कि बहरहाल उसके बाद फिर यहाँ का हुक्मरान हुआ है अब रहा और उसने शाहे ये कहा कि अब मैं एक ऐसा कलीसा तमीर करूँगा और उसकी मुझे इजाज़त दीजिए कि जो पूरे अरब में सबसे जिसकी बिल्डिंग जो है बहुत ही बावकार बहुत ही अजीम शान बिल्डिंग हो गई और मैं चाहता ये हूँ कि अरब कबाइल जो बैतुल्लाह जाते हैं और वहाँ अपने नजर नजरियाज और उनके नजर और ये तमाम चीज़ें पेश करते हैं और कम से कम यह कि यमन के इलाके के जो लोग भी मुशरिक हैं जो ईसाई नहीं हैं जिनके नज़दीक अभी भी बैतुल्ला बड़ा मुक़द्दस घर था तो उनको भी मैं मजबूर करूँगा कि वहाँ ना जाए बल्कि हमारे कलीसा में आएँ बहर उसने वो कलीसा तम किया और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने अर्ज किया था कोई एक बागैरत शख्स था अरब का खाब मक्का का रहने वाला था यह यमन का था उसने जाकर उस कलीसा के अंदर कोई निजात भी कर दी और उसके एक गोशे में आग भी लगा दी जिसके ऊपर ये भड़क उठा और फिर उसने साठ हजार अफराद आज से आप समझिए कि तकरीबन डेढ़ हज़ार बरस पहले साठ हजार की तादाद बहुत बड़ी तादाद है वो लश्कर तैयार किया और उसके बाद मंजिलें जो है तय करता हुआ बैतुल्ला से तकरीबन कह सकते हैं कि मैदान अरफात और मुज़दलफा के दरमियान का जो इलाका है वादी मुहसर वहां जाकर पड़ाव डाल लिया अब्दुल अब्दुलमत के जो नबी अलैहि वसल्लम के दादा थे उस मौके पर वो गोया कि तवलियत बैतुल्ला की उनके पास थी उनका जिक्र चूंकि आज भी आएगा सूर्य क्रैश के जुम्मन में तो फिर एक मकालमा हुआ अबरहा ने अब्दुल अब्दुलमतलिफ के जो हजरत अब्दुल अब्दुलमतलिफ के 200 सौ ऊंटों पर कब्जा कर लिया और जाहिर है वो इसीलिए किया था कि जो उसके साथ लश्कर है उसकी तोज़ों के लिए उन्हें जबा करेंगे और उसका गोश्त खाएंगे तो अब्दुल अब्दुलमतलिब फिर हम गए हैं अब्रहा से जाकर मुलाकात हुई है और अब्राह ने एक बात कही कि मैं किसी शख्स का भी खून नहीं बहाना चाहता मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बैतुल्लाह को मिसमार कर दूं इसलिए कि मैंने जो कलीसा तामीर किया है अब मैं चाहता हूं कि तमाम अरब के लोग जो हैं इबादत के लिए वहां जाएं तुम तो भी अल्लाह तुम भी तो अल्लाह को मानते हो हम भी मानते हैं अल्लाह को लिहाजा मैं कोई खून रजी नहीं करना चाहता अब्दुल अब्दुलमतलिब ने उनसे यह कहा हजरत अब्दुल अब्दुलमत जैसा कि मैंने अर्ज किया हजूर के दादा थे अब रहा से ये कहा कि देखो भाई मामला जहां तक अल्लाह के घर का है तो अल्लाह ताला उसकी खुद हिफाजत करेगा मुझे यकीन है लेकिन मेरे 200 सौ ऊंटों पर जो तुमने कब्जा कर लिया है उन्हें हाँ कर ले आए हो वो मुझे वापस करो इस पर अब्रहा ने यह कहा कि आपकी शख्सियत बहुत ही पुरजलाल शख्सियत उनकी थी बहुत खूबसूरत और वजी इंसान थे क्या आपकी शख्सियत से तो मैं बड़ा मुतासर हुआ था लेकिन ये जो आपने मुतालबा किया है सिर्फ अपने ऊंटों का लिहाजा उसकी वजह से वो जो मेरे अंदर एक तासर था आपके बारे में बुरी तरह मजरू अब्दुल अब्दुलतलीब जो है फिर वहाँ से आ गए जो भी मक्का के रहने वाले थे उन्हें कहा कि ज़रा आप कुछ बुलंदी पर पहाड़ों पर चट्टानों पर चले जाओ उस पूरी वादी को खाली कर दो बहरहाल फिर अल्लाह ताला की तरफ से तइद ग़ैबी हुई है और ये बात भी मैंने पिछली मरतबा आपको बताई थी कि अब्दुलमतलिफ जब वहाँ से रुखत होने लगे हैं तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर जिसे हम मुलतजम कहते हैं वहाँ हाजिर होकर उन्हें अल्लाह से दुआ की थी परवरदिगार हमारे अंदर ताकत नहीं है इन साठ हजार अफराद जो यहाँ मौजूद हैं अज़ीम शान लश्कर उनका उनका मुकाबला करने की ये तेरा घर है इसकी हिफाजत ही फरमा वो तो ये कहकर वापस चले गए और उसके बाद फिर वो जो है अबाबिल जिसे कहा गया अबाबिल के मानी असला झुंड के होते हैं और जैसा कि सूर्य मुबारक में फरमाया गया ना वारसरा अबाबिल अगर झुंड जो है घोड़ों का है उसके लिए भी अबाबिल का लफ्ज आता है लेकिन एक परिंदों का झुंड था लिहाजा तय रन अबाबिल परे के परे जो है परिंदों की और झुंड के झुंडों के अल्लाह तभी भेजे और उसके बारे में बहुत सी रवायात हैं कि वो परिंदे किस शक्ल के थे जो मैंने पिछली मरतब आपको बताए थे लेकिन उसके मैं तकरार नहीं कर रहा तो ये असल में वो पस मंजर था कि जिसमें शुरह मुबारका जो है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मक्की दौर के बिल्कुल इब्तदा में नाजिल हुई थी और गोया के नबीकम की उम्र मुबारक उसको तकरीबन पैंतालीस बरस होगी तो तकरीबन निस सदी पहले का या पैंतालीस बरस पहले का वाक था इस मौके पर हाई लाइट किया गया तर्जुमा कर दीजिए तमाम बातें तो मैंने आपके सामने रख दी है क्या तुमने नहीं देखा कि क्या किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या अंजाम हुआ था उनका क्या अल्लाह ने उनकी जो मरकर था जो उनकी चाल थी क्या उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया तजलील मानी क्या है किसी बिल्कुल खत्म कर देना, कर देना। कैसी प्लानिंग की थी उस अब्रह ने जिसे कहीं इंसान गुमान में भी नहीं था कि मैं इस तरह वापस जो है बिल्कुल नाकाम होकर पलटूंगा और मेरे जो फौजी मेरे साथ हैं उनमें से अक्सर वो हलाक हो जाएंगे लेकिन वो तो नहीं सोच सकता था किस जरिए से हलाक होंगे परिंदे के जिनकी चोंच में एक कंकरी थी और दो पंजों के अंदर एक एक कंकरी थी कुल तीन तीन आसमानी मिजाइल ने भेजे थे कि मैंने अर्ज किया था कि उनका जो हाथियों का दस्ता था उसमें बारह या तेरह हाथी भी मौजूद थे तो फी अरसला अबाबील और फिर अल्लाह ने भेजा उनके ऊपर एक लश्कर जो झुंड के झुंड भेजे अल्लाह ताला ने परिंदों के हम अबाबील असल में खास किस्म के परिंदे को कहते हैं जबकि हमारे यहाँ उर्दू जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अबाबिल खास परिंदे का नाम है लेकिन वो कभी अकेला उड़ता है वो आपको नजर नहीं आएगा वो झुंड की शक्ल में उड़ता है तरमी हजारत के वो उस पर बरसा रहे थे फेंक रहे थे पत्थर कंकड़ियों की शक्ल में अब सिज़ील का लफ्ज जो यहां आया यह असल में फारसी जुबान का लफ्ज है संग और गील संघ किसे कहते हैं पत्थर को कहते हैं और सिज्जील इन दोनों के मुनासिबत से वो बन गया गोया कि वो कंकरी या वो पत्थर या छोटी सा कोई जो से आप गोली कह लीजिए कि जिसको आग में खूब तपा कर पुख्ता कर लिया गया हो लिहाजा सिज्जील का लफ्जो है वहां से लिया गया तरमी सजील और वो उन पर बरसा रहे थे फेंक रहे थे वो कंकर जो उस असलन मिट्टी के बने हुए थे लेकिन उसमें क्या तासीर अल्लाह ताला ने रखी थी फजाला तो भूसे की क्या हैसियत है, है। गंदुम का असल दाना तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर जो छिलका होता है वो हमारे मवेशियों के ढो के काम आता है ना जिसे आप भूसा कहते हैं वो वही चीज है जो गजा है उनकी और गोया की उसकी क्या हैसियत होती है भूसा पड़ा हुआ जरा हवा चलेगी तो उड़ जाएगा कोई हैसियत ही नहीं बेबुकत और वो भूसा के जो कोई मवेशी या जानवर चबाते हुए उसके गोया के गालों में से नीचे गिर जाता है वो आशफी माकूल कहलाता है गोया के खाया हुआ भूसा उसकी तो बिल्कुल बिल्क कोई हैसियत नहीं वो झाँग की तरह की एक शय होती है कि जो उस जानवर की जुबान से उनके मुंह से निकलती है अब देखिए अल्फाज जो यहाँ हैं उसमें बिल्कुल बात वाज है कि ये वाक़ हुआ और जैसा कि मैंने अर्ज किया हमारे यहाँ बहरहाल कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस कस्म के जो खरक आदत वाकयात होते हैं उनकी बड़ी तावील करते हैं और उसमें मौलाना इसलाही रमत की एक तफसर मौजूद है तदम्बर कुरान उसका मैंने जो मतलब किया तो उन्होंने यहाँ बिल्कुल जो है इसके बरक्स बात कही है उन्होंने ये कहा कि तरमी हिम हजारत मिन से यहाँ तरमी का लफ्ज जो है वो परिंदों के लिए नहीं है रमी के मानी क्या है फेंकना मारना रमिय जमारात आप करते हैं या नहीं करते हज के मौके पर शैतान को जो कंकरियां मारते हैं वो रमीय जमारा कहलाता है तो उन्होंने कहा अब वो या कि तफसीर के अंदर पूरी शह मौजूद है और उन्होंने हवाला दिया अपने है अपने उसमाम फराहि का कि उन्होंने इस वाक्य की जो तावील की है और जिसमें तरतीब को बिल्कुल उलट दिया हालांकि कुरान हकीम में तरतीब जो है बिल्कुल वाजह है उन्होंने ये कहा कि वो जो मक्का के रहने वाले थे वो कोई पहाड़ों वहाड़ों पर नहीं चढ़े थे बल्कि वहीं मौजूद थे और उन्होंने जो पत्थर उन्हें मिल गया कोई कंकरी मिल गई तो उसको फेंका है उस लश्कर के ऊपर जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस पूरे लश्कर को हलाक कर दिया वहां रमैता बदर के मौके पर नबी अकम स भी कंकरियों की जो है अपनी एक मुठ्ठी में लिया और उस लश्कर की तरफ फेंक दिया उसके क्या असरात हुए तो यही वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने गोया के ऐसी तेज हवा भेजी कि वो कंकरियां या पत्थर जो थे की जाकर उनको लगे हैं और वो तमाम के तमाम हलाक हो गए अब आगे इस बात की क्या तावील करेंगे वारसला तो कह रहा है कि अल्लाह तिंदे भेजे थे और कुरान का मुताला करेंगे तो वह कंकरियां जो है परिंदों ने बरसाई थी जब ये बात उन्होंने कह दी कि वो कंकरियां पत्थर जो है वो अहले मक्का ने बरसाए थे हालांकि क्या तादाद होगी तीन चार हजार की तादाद वहां की पूरे मक्का के रहने वालों की और मुकाबला साठ हजार का लश्कर तो उसकी वजह से वो तमाम लोग हलाक हुए अब यहां उनके पास कोई दलील सिवा इसके नहीं है कि जैसे कि कुरान हकीम में कहा गया ना हासिबा के अल्फाज आए हैं बहुत तेज हवा तो गोया की कोई पत्थर जो है उसको अगर पीछे से फोर्स कर रही हो बहुत तेज हवा तो वो भी जाकर जो है गोया की कि किसी की जान ले सकता है और उसके बाद तरमी हम हजारत जील के बाद जो इससे पहले जो यहाँ फरमाया गया वारसन अबाबिल वो उसको उसके बाद रख रहे हैं कि जब वो तमाम लोग हलाक हो गए और वह हाथी भी मर गए तो फिर अल्लाह ने परिंदों को भेजा कि ताकि उनकी लाशें जो है उसमें पैदा ना हो और उसको खाकर जो है उसको अब कितने परिंदे होंगे जो साठ हजार के लश्कर की तादाद जो है उनको मरे को खा भी गए को कोई शह अकल में आने वाली नहीं और सबसे बढ़कर ये कि यहां तरतीब बिल्कुल दूसरी है अरसला पहले जिक्र है परिंदों का जो अल्लाह ने भेजा झुंड के झुंड तरमी भी हजारतल जो उन पर बरसा रहे थे वो संग गिल के जो है वो कंकरियां फज आला हूं काशफी और उनको बिल्कुल जो है वो खाए हुए भूसे की मानित कर दिया लेकिन वही बात है कि जहाँ बाजात इंसान जो है जहाँ कुछ अटक जाता है कि किसी शे की अगर कोई और तावील मुमकिन ना हो कैसे परिंदे होंगे और उन कंकरियों के अंदर कहाँ से इतनी जान आ गई कि इतनी बुलंदी से बड़े से बड़ा जो ओला होता है यालाबारी में वो भी कितनी बुलंदी से आ रहा होता है लेकिन वो किसी इंसान की जान तो नहीं लेता अल्लाह कि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाए जबकि ये बात भी मुसलम है कि वो कंकरियां जो थी वो मटर के दाने से ज्यादा बड़ी नहीं थी चने और मटर के दाने से ज्यादा उसका हजुम नहीं था तो बहरहाल चूंकि उस तफसीर के अंदर ये पूरा वाक्य जो है उसको इस तरह जिसे आप कहिए कि उसमें तरतीब जो है बिल्कुल उलट करके जो है उसकी तावील की गई है तो मैंने चाह कि जो हजरात भी मुताल करते हैं तो अगर वह उनके नजर से वह तफसर था कुरान गुजरे तो उसमें उसकी तरतीब इस तरह है अब आइए दूसरी सूरत की तरफ इलाफी कुरैशा वैईफ मुबारक जो है उसका भी एक खास पस मंजर है उसको में रख लीजिए नबी अक्रम सूर फील का जब हम मतलब कर रहे थे तो जिक्र आया था अब्दुल मुतलिब का जो हजूर के दादा हैं तो अब्दुल मुतलब के दादा हैं खुश अब किलाब जो एक नाम शख्सियत है अहिल अरब में से गुजरे हैं अब यह समझ लीजिए कि हजूर के बाद जो पांचवी पुश्त में उनका नाम आता है हुजूर के वाले जो है अब्दुल्ला हैं फिर अब्दुल अब्दुलमतलिब हैं फिर हाशिम हैं फिर अब्द मुनाफ़ हैं फिर खुशी अब्न किलाब हैं ये खसई अबन कलाब जो है बहुत ही जिसे आप कहिए कि मतहमल मिजाज और जिस तरह एक सरदारी वाली जो एक सिफ़ात होती हैं उनके अंदर मौजूद थी उन्होंने ये महसूस किया कि अरब कबाइल बड़े मुंतशिर हैं एक दूसरे के खिलाफ खाना जंगी रहती है तो क्यों ना इन सब को मुतहद किया जाए और उन्हीं का लकब यह कुरैश बना कुरैश के मानी क्या है जमा करने वाला गोया के अरब कबाइल जो उस वक्त तक बिल्कुल मुंतशिर हालत में थे एक दूसरे के साथ जो है वारत गरी भी करते थे तो उनको उन्होंने फिर जमा किया और मक्का को मेन हब करार देकर इसलिए कि तमाम लोग जो है मक्का मक्तुल्ल की बड़ी तजीम करते थे बड़ा मुकदस मुकाम था और साल बसाल जो है हज के लिए वहाँ हाज़िर भी होते थे तो इनका लकब फिर कुरैश बन गया और उनके नाम के साथ कलाब जो हैं, गोया कि इस हवाले से कि इन्होंने वहाँ के तमाम कबाइल को जमा किया था और फिर साथ ही इनके जो दो बेटे हैं अब्द मनाफ और अब्दुद्दार, अब्द मनाफ अब्द के बेटे हजरत हाशिम हैं हजरत हाजिम नबीकम स पड़दादा हुए अब्दुल मतलब दादा के वालिद तो ये बहुत ही अंदेश इंसान थे और उन्होंने उस गोया कि अब ये वो ज़माना है जबकि जो तजारतीफले जाया करते थे ख़ासतौर तो पर यमन से और मक्का के करीब से गुजरते हुए रेड सी बहर अहमर की बिल्कुल साहिली पट्टी के साथ होते हुए तो शाम जाया करते थे तो उसकी क़ियादत फिर इन्होंने हाशिम ने अपने हाथ में ले ली अब्द मुनाफ़ के चार बेटों में से एक बेटे हजरत हाशिम थे जो हजूर के परदादा हैं और हजरत हाशिम का मामला इस हवाले से बहुत ही जेरक और बहुत ही जहीन इंसान और फिर ये कि इन्हें अहाब इलाफ कहा जाता है इलाफ के मानी क्या है एक दूसरे को मोहब्बत और उल्फत के साथ जमा कर देना तो गोया के कु इब्न कलाब ने भी ये काम किया था जो इनके दादा थे कि उन्होंने अरब के जो मकबाइल को जमा किया और उसके ऊपर फिर मजीद काम इन्होंने किया कि इन्होंने गोया कि दूर अंदीशे से काम लेते हुए दो चिदारती काफले जाते थे उसकी सियादत उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मक्का को जो है इकनॉमिक हब बना दिया वैसे भी मक्का तकरीबन दरमियान में है नीचे यमन से जो काफले चलते थे तो मक्का में पड़ाव करते थे और इसी तरह शाम की तरफ से जो काफले आते थे मक्का में पड़ाव करते थे दरमियान में भी बहुत से पड़ाव होते होंगे लेकिन मेन हब ये मक्का बन गया इकोनॉमिक हब जो है वो मक्का की जरूरत बन गई और वहां का तजारती जो है कंट्रोल उनके हाथ में था और इनके तीन और भाई थे अब्द मुनाफ के एक बेटे जो हैं हाशिम और उनके तीन और भाई और उन्होंने अपने एक भाई को जो है हबशा में भेज दिया कि वो वहाँ बैठकर कंट्रोल करता था तजारत को एक भाई के उन्होंने यमन में जो है भेज दिया और एक भाई को शाम में भेज दिया चौथे ये खुद मौजूद थे तो गोया के चारों हजरात मिलकर अहब इलाफ कर रहते हैं कि जिन्होंने गोया के वो अरब के जो मुंतशर कबाइल थे उन सबको जमा भी किया और खास तो पर तजारत का जो है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद जो से गोया के जिस तरह तजारत में होता है ट्रेड में होता है इनको बहुत अल्लाह तला ने तरक्की दी और सबसे बढ़कर ये कि ये तकरीबन उसी जमाने का वाक्य है कि जबकि ये असहाबील वाला वाक़ हो चुका था जैसा कि मैंने पिछली मरतबा भी अर्ज किया था कि इस वाक़े से पूरे अरब के अंदर एक धाग बैठ गई कि जो भी मुतवली हैं इस बैतुल्लाह के उनके ऊपर अल्लाह ताला का कोई बड़ा फजल है कि उसने अपने घर की जिस तरह हिफाजत की है और छोटे मामूली परिंदों के जरिए जो है वो साठ हज़ार के लश्कर को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया तो उनकी वो धाग बैठ गई थी जिसकी वजह से यहाँ मक्का के रहने वाले और यहाँ के जो तजारती काफिले जाते थे जिनकी बागडोर इनके हाथ में थी हाशिम के हाथ में जो हजूर के परदादा हैं तो उनकी खसूसी जो है वो ताजीम होने लगी उनके काफिले के को ऊपर कोई जो है हाथ नहीं डालता था कोई जो है लूटता नहीं था उनके साथ कोई ज्यादा नहीं होती थी और जैसा कि मैंने अर्ज किया यही वजह है कि फिर वो बहुत जो है उन्होंने तरक्की की और उनकी तजारत जो है बहुत बहुत फैली है बुखूब बड़ी है अब यह पूरा वाक्य है गोया कि ये जो फरमाया गया ना ली लाफी कुरिश अब इस बात को भी नोट कीजिए यह दोनों सूरतें एक खूबसूरत जोड़ा है और दोनों के मजामिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह मिले हुए हैं और यहां यह बात भी खास तौर पर काबिल है जिसे आपका यह तवज्जो है कि ली लाम से जो है किसी शय का आगाज होना सूरत का आगाज हो जाना यह बिल्कुल अजीब बात है गो है कि लाम से पहले कुछ होना चाहिए ना ताकि इलाफ याकि असहा कुरैश जो है वह मानूस हो जाए ताके से क्या मुराद तो पिछली सूरत को अगर आप साथ में लाएंगे तो वहाँ आकर फिर बात वाजह हो जाती है कि इतना बड़ा वाकया जो जहूर जो पजीर हुआ था कि साठ हजार का लश्कर जो है उन्हें तो नाबूद हो गया तो उसका नतीजा क्या निकलाश के जो लोग थे उनकी धाक भी बैठी है और फिर यह उनको तोज्जो दिलाई गई है कि बैतुल्लाह जिस अल्लाह का यह घर है जिस अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है तुम पर लाजिम है कि उसकी इबादत और बंदगी अख्तियार करो यो जो तुम्हारा दिन चला आ रहा है जिसमें तुमने कितने ही जो है 360 सौ साठ के तादाद में देवियां और देवता जो है वहां बिठा रखे हैं बुतों की शक्ल के अंदर जिन्हें तुम अपना खुदा मानते हो फलिया तो अब की इबादत करें ये लात उजा और मनाज जो देवियां हैं उनको ना पुकारें बल्कि वो रब के जिसने अपने घर की हिफाजत की है और जिस तरह हिफाजत की है अब लाजिम है उनके लिए ली कुरिश आलाफ के मानी आते हैं मानूस कर देना जोड़ देना एक दूसरे के साथ जो है गोया के लव बॉन्ड जिसे कहते हैं उसके नतीजे में एक दूसरे को एक दूसरे के साथ पेवस कर देना ली इलाफ कुरश इसीलिए अल्लाह तानूस कर दिया कुरेश को इलाफ इत अब ये वो दौर है हाशिम का

कि सानहा इरतहाल हो गया अब वो शख्स जो इतने लंबे सफर पर जो है रवाना हो चुका है कि जिससे वापसी मुमकिन नहीं तो ये मक्का से लेकर शाम तक का सफर और मक्का से यमन तक का सफर ये कुछ छोटा सफर तो नहीं था जबकि सवारी के लिए सिवाय ऊंट के कुछ भी नहीं था या पैदल लोग चल रहे कितने हफ्ते लगते होंगे उसमें तो ये उनके ऊपर बड़ा गरा गुजरता था लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने अपने तबल्ला की हिफाजत फरमाई है और वह खरक आदत वाक्य जो है रूनुमा हो गया जिसकी वजह से इनकी धाक बैठ गई तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों को भी मानूस कर दिया क्या उनके ऊपर वो लंबे लंबे सफर जो है मुशक्क़त वाले नहीं थे बल्कि उनके अंदर जो है एक उनत पैदा हो गई रत शिता और शिता असल में कहते हैं सर्दियों के सफर को सत्ता के अल्फाज आते हैं खासतौर पर वो सफ़र जो सर्दियों में किया जाए और कहीं जाकर क्याम पजीर हुआ जाए ख़ास पर जो अरब के रहने वाले लोग थे गर्म इलाकों के रहने वाले लोग ये शाम चले जाया करते थे सर्दियों में जिस तरह हमारे यहाँ रिजॉर्ट होता है गर्मियों में शाम की तरफ चले जाते थे सर्दियों में जो गर्मियों का ज़माना था यमन की तरफ चले जाते थे वहां उनके रिजॉर्ट्स बने होते थे हमारे यहाँ भी रिजॉर्ट्स होते हैं गर्मियाँ गुजारने के लिए बहुत से खानदान जो है नॉर्दर्न एरियाज में जाकर एक एक दो दो महीने अपने वाहनों ने बगले बनाए हुए वहाँ जाकर क्याम करते हैं बहुत सी फैमिलीज ऐसी मौजूद हैं तो उसके लिए खासतौर पर लफ्ज़ जो अरबी जुबान में आता है वो मैंने यहाँ नोट भी किया था कि जिसमें रिजॉर्ट का लफ्ज आता है मुस्ताफ मीम सीन ता अली फरफे गोया कि वो जगह जहाँ लोग गर्मिया गुजारने के लिए जाते हैं तो रेहत शॉईफ ये जो लंबे सफर होते थे उनके जाड़े के सफर सर्दियों के सफर और गर्मियों के सफर तो अल्लाह ने मानूस कर दिया उन्हें उनसियत पैदा हो गई जो तकदस इनके काफिलों को हासिल होता था कि कोई कोईगरी नहीं करता था कोई लूट मार नहीं करता था तो इतना बड़ा फजल जो अल्लाह का तुम पर हुआ तो तुम्हें भी तो चाहिए ना कि इस इस घर के रब की इबादत करो ये तुमने क्या अल्लाह के साथ कितने ही हो देवियों और देवताओं को जो है गोया के अल्लाह के हमसर और हरपल्ला बना पला बना दिया है फलिया हाजल बैद हाजल्बैत ये घर मौजूद है जिसके अल्लाह ने जिस तरह हिफाजत फरमाई है आम उम्मन खौफ वो अल्लाह के जिसने इनको खिलाया इनको शेर किया जबकि वो भूख में थे व आमन उम्मिन खौफ और उन्हें अमन दिया खौफ की हालत में जहिर काफिले जो जाते थे तो उन्हें तो हर दम जो है धड़का लगा रहता था कि हमारे काफिले को लूट ना ले कोई इसके साथ गारदगरी ना कर दे तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि इस घर की वजह से अल्लाह ने तुम्हें वो एहतराम और अता दिया कि तुम्हें जो है वो दहशत और खौफ से लाह ने निजात फरमा दी और तुम्हें खाने को भी बहुत कुछ दिया अब यही दो बातें हैं जो कुरानी हकीम में दो सूरतों के अंदर मौजूद है सूरज बखार हमें आयत नंबर एक सौ पच्चीस

और जो यही दो चीज़ें फरमाई गई वो हज़रत इब्राहिम की जो दुआ थी उसी की एक कबूलीत की शक्ल ये है कि अल्लाह तला ने यहाँ के लोगों के लिए जो है इतना फरावानी के साथ सामान्य खुरदनोश यहाँ पहुँचता है आज भी देख लीजिए अब तो कोरोना की वजह से दो एक साल से यह मामला ख़त्म हो गया लेकिन दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं था का जहाँ का बेहतरीन फल आपको वहाँ ना मिल जाए फाइव स्टार होटल के अंदर आपको क्या कुछ नहीं मिलता था खाने पीने के लिए यह अलग बात है कि कुछ अर्सा पहले एक सदी दो सदी पहले चले जाए तो वो हालात नहीं थे लेकिन ये कि अब बहरहाल ये एक जिंदा मुआवजा है युजबा कुल्ली जैसा कि कुरान हकीम में फरमाया गया कि तमाम दुनिया भर के जो बेहतरीन मेवे हैं फल हैं वो खींचे चले आते हैं बेतुल्ला की तरफ अल्लाह ने निजाम ऐसा बना दिया तो हजरत इब्राहिम के दुआ में भी जिक्र है हाजा बलदन इसी तरह आयत नंबर में फरमाया वही लफ्ज़ है इस शहर मक्का को एक अमन का गवारा बना दे तो ये आखिरी आयत वो जो है घर का रब है उसने तुम्हें खूब खिलाया पिलाया है तुम्हें शेर कर दिया है हर नौ की शह तुम्हें हासिल है नेमत हासिल है अल्लाह का बड़ा फजल तुम्हारे काफिलों के ऊपर कोई जो है वो दस्तराजी नहीं करता व आम मिन खौफ और खौफ़ और दहशत से अल्लाह ताला ने तुम्हें निजात फरमा दी तो ये दोनों सूरत गोया के एक ही मजमून का तसलसल है और एक खूबसूरत जोड़े की शक्ल में है यहाँ इस बात को भी नोट कर लीजिए कि हज़रत उबै अबन काब रजी अल्लाह तु की तरफ जो मुसहफ मनसूब है हज़रत ऊस्मान ने तो बाद में जो मसाहिफ जो है उनको एक खास तरतीब के साथ जो कुरान की तरतीब आज भी हमारे पास है उसमें शक्ल में पूरे जो है अरब के अंदर फैला दिया था लेकिन उबै अबन काब का मुसहफ जो आज भी मौजूद है उनमें इन दो सूरतों के दरम्यान बिस्मिल्लर रहीम नहीं है वो गोया के दोनों को एक ही मजमून का तसलसल समझते थे और वाक़ता ये मिसालें मौजूद हैं दो आखिरी सूरत जो कुरानकम के हैं सूरतफ़लकूरतनास उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम होता है कि दोनों बाहम जो है दिगर व्यवस्था एक दूसरे के अंदर इसी तरह सूरह सूरह इंशरा और उसमें भी बाद रिवायात मिलती है कि सहाबा के राम तिलावत फरमाते थे सूरह सूरह इंशरा के दरमियान में बिस्मिल्लाहमानी नहीं पढ़ते थे गोया के एक ही सूरत के तौर पर उसकी तिलावत हो रही है लेकिन हमारे पास असल हजत वो मुफ़े उस्मानी है जो आज हमारे पास मौजूद है जिसमें इस यहाँ भी इन दोनों सूरतों के दरमियान बिस्मिल्रिम के अल्फाज हैं और इसी तरह खा वह सुरह जहाँ और सुरहन शराह हो या सूर फलक और सूर्य नाश हो अल्लाह हमें क़ुर हकीम को समझने की उस पर अमल करने की तोफ़ी का फरमाए और ख़ासतौर पर यहाँ जो इबादत का लफ्ज आया ये सिर्फ उन्हीं लोगों से इतब नहीं है कुरान का वह हमसे भी है कि हम भी बंदगी इख्तियार करें उस बैतुल्ला के रब की जो अल्लाह का घर है जो उसका रब है और बंदगी अपने सही मानों में इख्तियार करें कि जिसमें अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह की फरमाबरदारी बरदारी इख्तियार करना और जिस दिन को अपने लिए हमने नियमत समझा है उस पर अमल पैरा होना उसके दूसरे लोगों तक पहुंचाना शामिल है बारक अल्लाह हकीम